हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम करेंगे 50 एमसीक्यूज हैं, ये सब मिक्स एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, जो कि हमारे जेके पीएसआई एग्जाम्स होने वाले उसके रिलेटेड है। टॉप 50 एमसीक्यूज हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं एंड जिसमें करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम जल्दी जल्दी फटाफट अपने जो 50 एमसीक्यूज हैं इन्हें फटाफट करेंगे। फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इनमें से कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सहरुल फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है? सहरुल फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है झारखंड में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब फाउंड हुई थी? वो हुई थी 1815 में बाय राजा राम मोहन रॉय। ये भी याद रखना है आपने। ओके, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूल सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, वो इनमें से किसने जो है एबॉलिश किया था? जो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल सिस्टम आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो वो किसने एबॉलिश किया था? तो वो किया था लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट जो है वो आंसर है, ऑप्शन बी। लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो है वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। नेक्स्ट है, विजयनगर एम्पायर जो है वो कौन सी रिवर के नदी के किनारे था? तो वो था ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर एम्पायर जो है वो किसने इस्टेब्लिश करवाया था, तो उनका नाम है हरिहरी एंड बुक्का। हरिहरी एंड बुक्का जो थे इन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कौन है? वो है बी ऑप्शन अरुणा असाफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, कर्नाटका में कौन सी फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने प्रभात फेरीज प्रिजन्स में शुरू किया था? कर्नाटका की पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज अंबाबाई। अंबाबाई जो है वो कर्नाटका से बिलोंग करती है एंड इन्होंने प्रिजन्स में रहते प्रभात फेरीज जो है एक मूवमेंट चलाई थी। नेक्स्ट, जो विजयनगर एम्पायर है उसके रूइंस हमें कहाँ मिलते हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हम्पी। कर्नाटका में हमें इनके रूइंस मिलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर कौन से हैं? तो वो है ऑप्शन बी, डेट इज राजस्थान। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, तो वो है बिहार। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, डेट इज झारखंड। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट के, तो वो है ओडिशा। ओके, बिहार है गोल्ड का, राजस्थान है सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है, कंटेम्परेरी ऑफ द मोहम्मद गजनबी कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज राजेंद्र वन। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी दादा भाई नरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 2 अक्टूबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट में लोवेस्ट पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? इसका जो आंसर है वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, आर्टिकल 368 किससे रिलेट करता है? तो वो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आर्टिकल 368। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें हमारे आर्टिकल 12-35 हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल जो है वो हमारा आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के तहत लगता है। एंड उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो है उनके आर्टिकल 280। नेक्स्ट है, उसके बाद जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इनका। पहली आई थी स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड है खिलजी डायनेस्टी, थर्ड है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ आई थी सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ थी हमारी लोधी डायनेस्टी। तो हमें 1, 2, 3, 5, 4 कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बंगाला फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है? बंगाला फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल है ये सब करंट में न्यूज में थे, इसीलिए मैंने इनके एमसीक्यूज लाए हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज मेघालय। बंगाला फेस्टिवल मेघालय का है। जट जाटिन डांस जो है वो कौन सी स्टेट परफॉर्म करती है? जट जाटिन डांस वो करती है हमारी बिहार, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिफ्ट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? तो वो की थी 29 अगस्त 2019 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी करंट में था। तमिलनाडु के न्यू ईयर जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुथांडू, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है।
कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करते हैं? तो वो करते हैं यूराल माउंटेन। नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है? तो वो है पंजाब में, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सी फाइव ईयर प्लान में गरीबी हटाओ के बारे में कहा गया था? फाइव ईयर प्लान हमारी प्लानिंग कमीशन के द्वारा आए थे 1950 में, जो कि हमारे नेहरू ने लाए थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद जो है 2015 में जो हम नरेंद्र मोदी जी थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया था। ओके, तो प्लानिंग कमीशन जो थी वो उसका गरीबी हटाओ कौन से प्लान में था, वो था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में। एनालॉगी है नेक्स्ट क्वेश्चन 23, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें रेशियो में बताना है कि 179 का क्या आएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आंसर बता दिया, इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, कोरल रीफ इंडिया में कौन सी फाउंड पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नेटरानी आइलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, या वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो है कोरल रीफ है इंडिया में। तो नेक्स्ट, उसके बाद रिवर भागीरथी और अलकनंदा कौन सा रिवर बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ऑप्शन सी, डेट इज गंगा। आपको जितने भी पंच प्रयाग हैं उन सबके जो रिवर्स ज्वाइनिंग होते हैं वो भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, नप्ता जकरी डैम जो है कौन सी रिवर पे बन रहा है? तो वो बन रहा है सतलुज रिवर पे। आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट है, कौन सी इम्पैक्ट क्रेटर लेक है इनमें से? तो वो है लोनार लेक। इम्पैक्ट क्रेटर लेक कौन सी है? लोनार लेक। नेक्स्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है? तो वो करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक इनमें से कौन सी है? स्वीट वाटर लेक, वो है देभार लेक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन, ईस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। एक सेकेंड, जो हाँ ठीक है। उसके बाद इंद्रावती रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो वो है गोदावरी की। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। नर्मदा रिवर इनमें से कौन सी स्टेट्स में, फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है ये, कौन सी स्टेट से फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र से फ्लो करती है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन जो है वो उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था? तो वो था ऑप्शन बी, डेट इज देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का फेमस जो है टूरिस्ट स्टॉप, जम्मू एंड कश्मीर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसरमर्ग, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है बडगाम में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, कटरा का मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? तो वो है रियासी में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बन रहा है? तो वो बन रहा है हमारे नर्मदा रिवर पे बना है इंदिरा सागर डैम। नेक्स्ट, कौन सा क्रॉप है जिसे फूड एंड फूडर के एज ए यूज किया जाता है? तो वो है हमारा मेज। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कौन सी स्टेट में चक्कन गंगाई जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? झूम कल्टिवेशन कहा जाता है। बाखरा नेगल डैम जो है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डैम्स जो हैं टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, जब उन्होंने बाखरा नेगल डैम को जो है इनॉग्रेट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन ने, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था डैम्स जो हैं टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। जो 40 है इसका आंसर है ए। 41 का है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इंडियन का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो वो है भोपाल में। ऑप्शन बी है वो करेक्ट।
अपीको मूवमेंट 1980s में कौन सी जगह पे थी, कौन सी जगह एक इन्वायरमेंट मूवमेंट है, अपीको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, ये सब क्या है, ये एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड इंडिया में मूवमेंट्स चलाई गई थी, तो ये कहाँ पे थी, अपीको मूवमेंट कर्नाटका में, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रेसिपिटेशन कम्स इन द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, उसे क्या कहा जाता है, जो प्रेसिपिटेशन आती है अर्थ पे इन टू लिक्विड फॉर्म उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रेन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जो क्लाउड्स हैं, जो स्टेडी रेनफॉल जो है कराते हैं, हमारे थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं, फोर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं, ठीक है, जो कि स्टेडी रेनफॉल कराती है उस क्लाउड को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टेटस, स्टेटस जो है उस क्लाउड को बोला जाता है जो कि स्टेडी रेनफॉल करवाते हैं। ओके, अगर हम बात करें फोर टाइप्स ऑफ क्लाउड जिसमें आता है सर्किस, क्यूमुलस, स्टेटस और निम्बस, ठीक है, निम्बस होते हैं जो कि काले बादल होते हैं, जो हमारे जब बारिश पड़ रही होती है उस टाइम पे वो सूरज और मतलब ऐसे छुपा देते हैं ना, हाइड कर देते हैं सन को, तो पूरा काला काला हो जाता है, दिन होता ही है बट काला काला सा लगता है, तो वो होता है निम्बस, ठीक है। तो ये है चार टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और जो स्टेडी रेनफॉल कराते हैं वो होते हैं स्टेटस, ठीक है। क्यूमुलस होते हैं जो कि थंडरस्टॉर्म करवाते हैं, हैवी रेनफॉल करवाते हैं और समटाइम हेल्स भी करवाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन से रीजन पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वो होती है कोस्टल रीजन्स पे। नेक्स्ट है कौन से क्लाउड जो है हैलोस एंड ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो है, कौन से क्लाउड प्रोड्यूस करते हैं हैलोस एंड ऑप्टिकल, ओके सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो हैलोस और ऑप्टिकल इफेक्ट्स करवाता है, 46 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं है, हेल है, रेनफॉल भी है, स्नोफॉल भी है, बट फॉग नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, इन न्यू स्कीम पीएम डिवाइन इंप्लीमेंट की जाएगी, किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, तो वो की जा रही है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। अभी डोनर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है क्या, डोनर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, पहले आपको डिवाइन के फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि वहां पे इंडस्ट्रीज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डोनर क्या है, डोनर मतलब पीएम डोनर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। 36 स्टेट जो इंप्लीमेंट करती है वन नेशन वन राशन कार्ड, 36 स्टेट कौन सी है वो जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट किया है, वो है असम। तो यह वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में आया था जिसमें बोला गया था कि सभी जो कंट्रीज इंप्लीमेंट है, जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं इंडिया में, उनमें ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो 36 स्टेट कौन सी बनी, असम बनी। नेक्स्ट है रिसेंटली 100% हर घर जल स्टेट कौन सी बनी, 100% हर घर जल स्टेट कौन सी बनी है, तो वो है हमारी गुजरात, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट बनी थी गोवा, अब 100% अभी रिसेंटली बनी है वो है गुजरात। अगर आपसे पूछे डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो है चंबल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हर 100% हर घर जल बनी है चंबल डिस्ट्रिक्ट, चंबल डिस्ट्रिक्ट किस में है, हिमाचल प्रदेश में। सो ये थे हमारे 50 MCQ जिसमें हमने करंट अफेयर डिस्कस किया, अपने ज्योग्राफी के MCQs डिस्कस किए। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं आपको चैनल वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द जिनका एग्ज़ाम है 7 को, अच्छे से अपनी तैयारी रखें। थैंक यू, बाय।